उधर भादुगढ़ में सीवरेज टैंक में उतरे दो मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि दोनों ही ट्रैक्टर और टैंकर के जरिए सेफ्टी टैंक को खाली करने का काम करते थे और दोनों ही टैंकर को सीवरेज में खाली करने के लिए पाइप लगा रहे थे, लेकिन पाइप अचानक से सीवरेज टैंक के अंदर गिर गया, जिसे निकालने के लिए पहले रवीश टैंक में गया, लेकिन जहरीली गैस के कारण उसका दम घुटने लगा। उसे बचाने के लिए अरविंद भी सीवरेज टैंक के अंदर घुस गया, लेकिन जहरीली गैस ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने दोनों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने रवीश को मृत घोषित कर दिया। वहीं अरविंद के इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे से दोनों मजदूरों के परिवार में मातम का माहौल है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि एमआई के एरिया में जो सीवरेज है उसके अंदर दो लड़के गिर गए और वहाँ पे सूचना पे गए थे, तो वो दोनों के दोनों लड़कों को वहाँ से निकलवाया गया। निकलवाने के बाद यहाँ लेके आए, तो एक लड़का तो पहले ही एक्सपायर हो गया था, दूसरे का ट्रीटमेंट किया था तो वो भी ट्रीटमेंट के दौरान एक्सपायर हो गया है। अभी ये इसी परिवार वाले हैं, उसके बाद जो भी हमारे को स्टेटमेंट देंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी।